Hello kids welcome to my channel online math study time and today i am here with class 4 maths chapter 4 multiplication so today you are going to learn about multiplication what is multiplication and what the important facts we use in this chapter so today we will discuss about these two topics introduction and multiplication facts Okay, but before that, let me tell you it's very important to learn tables. If you don't know about the tables, you please learn tables at least from 2 to 15 or 20. It will be very good if you will learn up to 20. So, I have also uploaded the video of tables on my channel, and it's very, very interesting. You will enjoy this video of tables. You can वॉच डैट इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब एंड देन यू विल गेट दैट वीडियो ओके जो बच्चे नए हैं फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो बच्चे सब्सक्राइब करके चैनल को और टेबल वाला वीडियो देख के वहाँ से टेबल लर्न कर सकते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने टेबल का वीडियो अपलोड किया है आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और न्यू वे से आप सीखने को मिलेगा ठीक है बच्चो तो मल्टीप्लीकेशन चैप्टर सीखने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है ठीक है तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक है क्विकली और इजी वे से ओके okay? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली सो द मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस कि ये रिपीटेड एडिशन होता है ऑफ इक्वल नंबर्स मतलब सेम नंबर्स को हम रिपीट करते जाते हैं उसको भी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं वो वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी अगर आप किसी नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं सेम नंबर को जो आंसर आता है वो मल्टीप्लिकेशन के उसमें बेस पे आता है ठीक है so number, over over again, addition, वो एक शॉर्ट फॉर्म है रिपीटेड एडिशन सो व्हेन वी ऐड द सेम नंबर ओवर एंड ओवर अगेन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड एडिशन ठीक है वो मल्टीप्लीकेशन भी है और उसको रिपीटेड एडिशन भी हम बोलते हैं तो किड्स ये तो इंट्रोडक्शन था आपको मल्टीप्लीकेशन का कि मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ इक्वल नंबर्स व्हेन वी ऐड द सेम नंबर ओवर एंड ओवर अगेन इट इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन सो वन एग्जांपल इज गिवन लुक एट दिस एग्जांपल हियर यू विल गेट फ्यू मोर वर्ड्स न्यू वर्ड्स टू लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन वेन वी मल्टीप्लाई सिक्स एंड फाइव वी गेट थर्टी ओके So, here what is 6? Here 6 is multiplicand, 5 is multiplier. Okay? And the answer, the result we get after multiplication is called the product. Okay? So, these two numbers are also called as factors. So, when we multiply the factors, द आंसर विल कम एज मल्टीपल्स और प्रोडक्ट ओके सो फाइव एंड सिक्स आर द फैक्टर्स ऑफ थर्टी यू कैन से इन दिस वे एंड थर्टी इज़ द मल्टीपल ऑफ फाइव एंड सिक्स ओके सो मल्टीपल मीन्स जो सिक्स और फाइव दोनों के टेबल में थर्टी आता है और जो फाइव और सिक्स हैं ये इसके थर्टी के फैक्टर्स हैं ठीक है बच्चों तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई मल्टीप्लिकेशन की जो मैंने एक्सप्लेन किया है आई होप आपको समझ आया होगा वैसे तो क्लास थ्री से आप सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बट जैसे जैसे क्लासेस आपकी बड़ी होती जाती हैं कॉन्सेप्ट एक्सपेंड होता जाता है ठीक है तो बच्चों आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी विल डिस्कस फ्यू फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन so these are the facts okay let's start with first uh, multiplication is a short way of finding sum of equal numbers जो multiplication है वो एक short way होता है किसी भी equal numbers का sum अगर हम निकालें ना तो वो multiplication का short way है जैसे हमने repeated addition बोला था वही same मतलब है आप किसी भी number को बार बार add कर रहे हैं same number को तो वो मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट वे है ओके okay? ये इस मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है आपको पता ही होगा है ना फिर ये फिर भी हम ये कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर रहे हैं इन शॉर्ट वी कैन राइट फोर इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेल्व एज फोर टाइम्स थ्री टू ट्वेल्व इज ट्वेल्व ओके हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको देन नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेट जैसे कि अभी मैंने आपको अभी पीछे सिक्स और फाइव इंटू थर्टी करके दिखाया था ना तो जो उसमें था सिक्स मल्टीप्लीकेंट था और फाइव मल्टीप्लायर था है ना द नंबर विद विच द मल्टीप्लीकेंट इज़ मल्टीप्लायड कॉल्ड मल्टीप्लायर एंड द रिजल्ट इज नोन एज द प्रोडक्ट ओके तो ये तीन चीज़ें होती हैं उसमें मल्टीप्लीकेंट होता है जैसे इसमें फोर मल्टीप्लीकेंट है थ्री मल्टीप्लायर है और ट्वेल्थ जो आंसर आया है रिजल्ट आया है वो आपका प्रोडक्ट है ओके okay?

The result is the number itself like 7 into 1 equals to 7. Whenever you multiply any number by 1, so the answer will come the same number itself, okay? The product is same even if the order of the number is changed like 6 into 3 equals to 8, 3 into 6 also will, it will also be 18, sorry 18, 6 into 3, 18. एंड थ्री इंटू सिक्स विल ऑल्सो बी एटीन ओके तो कैसे भी आप ऑर्डर चेंज करेंगे प्रोडक्ट सेम आएगा नंबर को ऐसे आप आगे पीछे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों केसेज में सेम नंबर आएगा ठीक है बच्चों तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किया है हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है तो ये बेसिक चीज़ें हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हम सीखते हैं जो आगे काम आती हैं चैप्टर में पूरे चैप्टर में तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीप्लाई सीखने को मिलेगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं टू डिजिट नंबर या थ्री डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से ओके okay? उसको कॉलम वाइज लिख के कैसे क्या मेथड होता है ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बट डू नॉट फॉरगेट टू लर्न टेबल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टेबल्स विदाउट टेबल इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट multiplication एंड also division. Division में भी आपको हेल्प आपको हेल्प uh, चाहिए टेबल्स की ओके okay? बच्चों तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना जरूर लर्न कीजिए ठीक है धीरे धीरे डेली अगर आप one या two tables लर्न करते हैं तो आपको विद इन वीक आपको 14 तक लर्न हो सकते हैं टेबल ओके okay? है ना सेवन टू ता फोटीन So, learn tables. I will repeat again. So, before leaving, please subscribe my channel and also like if you liked, if I uh, helped you to understand about that multiplication. So, please like my video. We will meet very soon with the new concept. Till then, bye bye. Take care. God bless you.